फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आई एम प्रशंसा। आज हम पढ़ेंगे न्यू ऑक्सफोर्ड मॉडर्न इंग्लिश बुक, चैप्टर नंबर 2, डोरोथी मीट्स द स्केयरक्रो। ये एक लड़की की कहानी है जब वो स्केयरक्रो से मिलती है, और ऐसा स्केयरक्रो जो वॉक और टॉक कर सकता है। दिस एक्सट्रैक्ट इज टेकन फ्रॉम द वंडरफुल वर्ल्ड ऑफ विजार्ड ओज। ये एक स्टोरी एक्सट्रैक्ट है जो ली गई है एक बुक में से, जिसका नाम है Wonderful Wizard of Oz, which is about a young farm girl named Dorothy and her pet Toto. एक लड़की की कहानी है और एक पेट की कहानी है जिसका नाम Dorothy और Toto था। They get swept into strange land called Oz by a cyclone. उनके सिटी में जब साइक्लोन आया था तब वो उड़ के ओज में चले गए थे। While trying to get back home, Dorothy meets a range of interesting characters and make friends with Scarecrow, Tin Man and Cowardly Lion. जब Dorothy अपने सिटी वापस जा रही थी तब उसको रास्ते में कुछ इंटरेस्टिंग कैरेक्टर मिले और वो उनसे फ्रेंडशिप की। वो थे Scarecrow, Tin Man और Cowardly Lion. Dorothy walked along the roads. Dorothy रोड के ऊपर चली। It was made of yellow bricks. वो येल्लो कलर के ब्रिक्स से बना हुआ था। When she had gone some miles, she needed to rest. जब वो कुछ miles चल ली, उसको rest करना था। She climbed to the top of the fence beside the road and sat down. वो एक fence के ऊपर चढ़ी और उसके ऊपर बैठ गई। Her dog Toto was also tired. उसका dog Toto भी थक गया था। He lay down on the ground by the fence. वो fence के बगल में ही बैठ गया। There was large cornfield on the other side of the fence. Fence के other side, उस side बहुत बड़ा cornfield था। In the field there was scarecrow. Field में एक scarecrow था। Dorothy gazed at the scarecrow. Dorothy scarecrow की तरफ देखती रही। Its head was a small sack stuffed with straw. उसका head एक छोटा सा था जिसमें straw भरा हुआ था। Its face was painted on sack. उसका face sack के ऊपर paint किया हुआ था। It had an old pointed blue hat on its head. उसके head पे एक old pointed blue hat थी। On its body, it wore blue suit of faded clothes, which had also been stuffed with straw. वो body पे एक blue suit पहना था, faded clothes पहना था, जो स्टफ्ड किया हुआ था, भरा हुआ था स्ट्रॉ से। ऑन द फीट देयर वर सम ओल्ड बूट्स। फीट में उसके सब पुराने जूते थे। द स्केयरक्रो वाज टाइड टू टॉल पोल। स्केयरक्रो टॉल एक लंबी सी लकड़ी से बांधा हुआ था। इट वाज देयर टू स्केयर बर्ड्स एंड स्टॉप देम फ्रॉम ईटिंग द राइप कॉर्न। वो वहां पे खड़ा था चिड़ियों को डराने के लिए और उनको पकी हुई कॉर्न खाने से। While Dorothy was looking at the painted face of the scarecrow, जब Dorothy scarecrow के painted face की तरफ देख रही थी, she was surprised to see one of the eyes slowly wink at her. जब वो scarecrow की तरफ देख रही थी, तब वो surprised हो गई कि उसका एक आँख blink हुआ. She thought she must have imagined it. उसने सोचा उसको ऐसे ही बस imagine हो रहा है. Then scarecrow nodded at her to her in friendly way. उस समय स्केयरक्रो अपना सर हिलाया एक फ्रेंडली मैनर में। Dorothy climbed down from the fence and walked up to it. Dorothy फेंस से नीचे कूद गई और उसकी तरफ चली। Toto ran around the pole and barked. Toto पोल के पास गया और भौंकने लगा। Good day, said the scarecrow. स्केयरक्रो ने बोला, Good day. You didn't just speak, did now? गर्ल ने पूछा कि क्या तुम अभी बोले? Certainly, answered the scarecrow. How do you do? स्केयरक्रो बोला, हाँ, तुम कैसी हो? I am pretty well, thank you, replied Dorothy politely. How do you do? Dorothy ने बोला, मैं ठीक हूँ, thank you, तुम कैसे हो? I am bored, said the scarecrow. It is very dull being stuck up here night and day to scare away crow and other birds. Scarecrow ने बोला, मैं बोर हो गया हूँ पूरी रात यहाँ पे खड़े खड़े
और पूरे दिन क्रोल और दूसरे चिड़ियों को भगाने में। कांट यू गेट डाउन, आस्क्ड डोरोथी। डोरोथी ने बोला, क्या तुम नीचे नहीं उतर सकते हो? नो, दिस पोल इज स्टक अपॉन माई बैक, प्लीज हेल्प मी गेट डाउन। फिर स्केयरक्रो बोल रहा है कि नहीं, मैं नहीं उतर सकता हूँ, ये जो पोल था वो मेरे बैक में अटैच किया हुआ है, प्लीज मेरी हेल्प करो नीचे उतरने में। डोरोथी रीच्ड अप बोथ आर्म्स एंड लिफ्टेड द स्केयरक्रो ऑफ द पोल। डोरोथी ने अपने दोनों आर्म्स उठाए और स्केयरक्रो को पोल से बाहर निकाला। ही वॉज क्वाइट लाइट बिकॉज ही वॉज ओनली स्टफ्ड विद स्ट्रॉ। वो बहुत हल्का था क्योंकि वो सिर्फ स्ट्रॉ में भरा हुआ था। She set him down on the ground. वो उसको उठा के ग्राउंड पे रख दी। Thank you very much, said the scarecrow. I feel much better. Scarecrow बोला, Thank you very much, मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। Dorothy was so surprised to hear a straw man speak. Dorothy बहुत surprised हो गई थी कि एक straw man भी बोल सकता है। The scarecrow stretched and yawned. Who are you? asked the scarecrow. And where are you going? Scarecrow ने अपनी बॉडी स्ट्रेच की और यॉन करते हुए बोला, तुम कौन हो और तुम कहाँ जा रही हो? My name is Dorothy, said the girl. गर्ल ने बोला, मेरा नाम डोरोथी है। And I am going to Emerald City. और मैं Emerald City जा रही हूँ। I am going to ask Great Oz to send me back from the home corners. मैं Great Oz के पास जाऊंगी और इनसे हेल्प मांगूंगी कि मुझे मेरे घर कानस भेज दे। वेयर इज एमरलैंड सिटी, आस्क्ड द स्केयरक्रो, एंड हु इज ओज। स्केयरक्रो पूछा कि एमरलैंड सिटी कहाँ है और ओज कौन है। व्हाई डोंट यू नो, शी रिप्लाइड इन सरप्राइज, क्या तुम्हें पता नहीं है? नो इंडीड, आई डोंट नो एनीथिंग, यू सी आई एम स्टफ्ड विद स्ट्रॉ, सो आई हैव नो ब्रेन्स एट ऑल, ही answered sadly. स्केयरक्रो ने आंसर दिया कि नहीं, मुझे कुछ नहीं पता है, तुम देख सकती हो कि मेरे अंदर स्ट्रॉ भरी हुई है, तो मेरे पास ब्रेन बिल्कुल ही नहीं है। Oh, said Dorothy, I am sorry for you. Dorothy बोली, Oh, sorry, sorry. Do you think, he asked, if I go to Emerald City with you, that Oz would give me some brain? उसने पूछा, क्या तुम्हें लगता है अब मैं तुम्हारे साथ एमरलैंड सिटी जाऊंगा तो वो ओज मुझे ब्रेन देगा? आई डोंट नो, शी रिप्लाइड, कम टू एमरलैंड सिटी विथ मी एंड टोटो, यू कैन आस्क टू ग्रेट ओज फॉर द ब्रेन। उसने बोला, मुझे नहीं पता, तुम मेरे साथ एमरलैंड सिटी और चलो तुम उस ग्रेट ओज के पास जाके पूछना कि वो तुम्हें ब्रेन देगा या नहीं। व्हाट इफ ही डजंट गिव मी वन, स्केयरक्रो बोला, अगर वो मुझे नहीं दिया तो? You should try anyway, said Dorothy. You have nothing to lose. Dorothy ने बोला, तुमको एक बार try तो करना ही चाहिए, इसमें क्या जाता है? That is true, said the scarecrow. You see, I don't mind my legs and arms or body being stuffed, because I cannot get hurt. If anyone treads on my toes or stick a pin into it, it doesn't matter, because I can't feel it. स्केयरक्रो बोला, हाँ तुम सही बोल रही हो, तुमने देखा मैं अपने पैर और हाथ से, मेरे अंदर स्ट्रॉ भरी हुई है तो मैं माइंड नहीं करता क्योंकि मुझे दर्द हो ही नहीं सकता। अगर कोई मेरे टो पे या फिंगर पे पिन चुभाएगा तो भी मुझे दर्द नहीं होगा क्योंकि मैं फील ही नहीं कर सकता हूँ। डोरोथी लिसेंड केयरफुली एंड नॉडेड, शी वॉज अमेज्ड टू सी द स्केयरक्रो वॉकिंग एंड टॉकिंग। डोरोथी उसकी सारी बातें ध्यान से सुन रही थी और अपना सर हिलाए जा रही थी। वो बहुत अमेज थी, सरप्राइज थी कि एक स्केयर को भी चल सकता है और बात कर सकता है। बट आई डू नॉट वॉन्ट पीपल टू कॉल मी फूल, एंड इफ माई हेड आर स्टफ्ड विद स्ट्रॉ इंस्टेड ऑफ ब्रेन एंड योर्स इज, हाउ एम आई एवर नोइंग टू नो एनीथिंग। लेकिन मैं नहीं चाहता कि लोग मुझे बेवकूफ कहें, अगर मेरा सर स्ट्रॉ में भरा हुआ है और मेरे पास ब्रेन नहीं है तुम्हारी तरह, तो मुझे कैसे कुछ भी मालूम पड़ेगा। आई अंडरस्टैंड हाउ यू फील, सेड द लिटिल गर्ल। लिटिल गर्ल बोली, मैं समझ सकती हूँ तुम क्या सोच रहे होगे। हु वॉज ट्रूली सॉरी फॉर हिम, वो बहुत सॉरी थी उसके लिए। इफ यू विल कम विथ मी,
आई आस्क ओज टू डू ऑल ही कैन फॉर यू, अगर तुम मेरे साथ चलोगे तो मैं ओज को बोलूंगी कि वो जो कर सकता है तुम्हारे लिए वो करे। थैंक यू ही आंसर्ड ग्रेटफुली। स्केयरक्रो ने खुशी में आंसर दिया थैंक यू। डोरोथी, टोटो एंड स्केयरक्रो वॉक टू द फेंस। डोरोथी, टोटो और स्केयरक्रो फेंस के बाहर से वॉक करना शुरू किए। दे क्लाइम्ड ओवर इट एंड स्टार्टेड वॉक अलोंग द येलो ब्रिक्स रोड टुवर्ड्स एमरलैंड सिटी। वो फेंस के इस साइड आए और येलो ब्रिक्स के ऊपर चलने लगे एमरलैंड सिटी की तरफ। टोटो स्निफ्ड अराउंड द स्ट्रॉ मैन। टोटो स्ट्रॉ मैन के आर पास घूमता रहा। ही ग्राउल्ड एज इफ ही सस्पेक्टेड देयर माइट बी अ नेस्ट ऑफ रैट इन द स्ट्रॉ। वो स्केयरक्रो को ऐसे देख रहा था जैसे उसको लगता था कि स्केयरक्रो के अंदर रैट होंगे। ही वॉज बिहेविंग इन एन अनफ्रेंडली वे बिकॉज ही डिडंट नो द स्केयरक्रो। वो उसके साथ फ्रेंड नहीं बन पा रहा था क्योंकि वो स्केयरक्रो फर्स्ट टाइम देख रहा था। डोंट माइंड टोटो, सेड डोरोथी टू हर न्यू फ्रेंड, ही नेवर बाइट्स। डोरोथी ने टोटो को बोला डोंट माइंड, वो किसी को भी बाइट नहीं करता है। ओ आई एम नॉट अफ्रेड, रिप्लाइड स्केयरक्रो, ही कांट हर्ट द स्ट्रॉ। स्केयरक्रो ने बोला मुझे डर नहीं लग रहा क्योंकि वो कभी भी स्ट्रॉ को हर्ट नहीं कर सकता। टोटो बी नाइस, सेड डोरोथी टू हर डॉग एंड बेंट डाउन टू पैट हिम। तो डोरोथी ने नीचे झुकी और अपने डॉग को पैट करते हुए बोली कि तुम अच्छे रहो। देन शी पिक्ड अप हर बास्केट एंड बिगेन टू वॉक अगेन। तब अपना बास्केट उठाई और चलना फिर से शुरू की। डू लेट मी कैरी दैट बास्केट फॉर यू, आई शैल नॉट माइंड इट फॉर आई कांट गेट टायर्ड। स्केयरक्रो ने बोला कि मैं मुझे तुम्हारा बास्केट पकड़ने दो, मुझे फर्क नहीं पड़ेगा क्योंकि मैं कभी थक नहीं सकता। आई टेल यू अ सीक्रेट, ही कंटिन्यूड। स्केयरक्रो ने आगे कंटिन्यू किया मैं तुमको एक सीक्रेट बताता हूँ। एज ही वॉक्ड अलोंग द पाथ, जब वो चलता रहा। देयर इज ओनली वन थिंग इन द वर्ल्ड आई एम अफ्रेड ऑफ, पूरी दुनिया में बस एक ही चीज है जिससे मुझे डर लगता है। व्हाट इज दैट, आस्क डोरोथी, इज इट द फार्मर हु मेड यू। डोरोथी ने पूछा कि वो क्या है, क्या वो फार्मर है जिसने तुम्हें बनाया। नो आंसर द स्केयरक्रो। स्केयरक्रो ने बोला नहीं नहीं वो नहीं। इट इज अ लाइटेड मैच, एक जली हुई माचिस की तीली। ये स्टोरी विजार्ड ऑफ ओज एल फ्रैंक बम बुक से ली गई है। वर्ड्स टू नो, गेज्ड, लुक एट समथिंग स्टीडली, थिंकिंग अबाउट इट और एडमायरिंग, उसकी तरफ देखते रहना। ग्रेटफुल, थैंकफुल। राइप, रेडी टू ईट और पिक, पका हुआ। स्केयरक्रो, अ ह्यूमन शेप्ड फिगर often made by stuffing straw into clothes that is used to scare away birds from the crop. Scarecrow farm में लगाया जाता है birds और दूसरे चिड़ियों को ripe crop खाने से बचाने के लिए। Answer the following questions. मैंने ये वाला part अपने video के part 2 में upload किया है जिसका link description box में दिया हुआ है। Today's fact: Jupiter is biggest planet in our solar system. जुपिटर हमारे सोलर सिस्टम का सबसे बड़ा प्लैनेट है। आई होप मैंने आपको जो पढ़ाया है आपको समझ में आ गया है। तो भी अगर आपको कोई डाउट है तो मुझे कमेंट करके पूछना और मेरे वीडियो को लाइक सब्सक्राइब और शेयर करना और बेल आइकन पे प्रेस कर लेना। थैंक यू, सी यू नेक्स्ट वीडियो, बाय।